يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل ان لنفسك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام حدیث طلباء مہمانان گرامی اولیاء ناطق و منقول مختصر وقت میں ابھی جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اسی کا اردو ترجمہ کر کے خطبہ نکاح جو مسنون ہے سننا واجب اور ایجاب قبول کے انعقاد پر اور دعا پر مجلس کا اختتام انشاءاللہ ہو جائے گا میں اس لیے بھی اصرار کر رہا تھا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب جو یہاں مہمان نہیں میزبان اور اللہ نے بولنے کا اچھا ملکہ بھی آپ کو عطا فرمایا اور ایسے موقع پر جب میری بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی اس لیے بولنے کی کچھ سکت بھی نہیں یہاں پہ جاننا میں کسی کی بھی بیٹی اور بیٹا مدرس یا ملازم چونکہ ہم ایک ہی فرد خانہ اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو اس طرح ہی ہم جان دو عالم کی طرح رہتے ہیں اور اتنی محبت ہے کہ جیسے آج میری بیٹی رخصت ہو رہی ہے اللہ تعالی خیر مقدر فرمائے جانبین کی زندگیاں اللہ تعالیٰ خوشگوار فرما میرا ذہن اس لیے بھی منتقل ہوا کہ آج بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے عامتاً معاشرے کے اندر بیٹی کے وجود کو بہت بھاری سمجھا جاتا ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کا انداز ہے بیٹے کی ولادت کا انتظار کیا جاتا ہے بیٹے کی ولادت پر مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے
इसको तो नहीं कहा जा सकता कि न तकसीम किया जाए, जिस एहतमाम से बेटे की विलादत पर ये सब कुछ किया जाए, बेटी की विलादत पर उससे भी ज्यादा चाहे बतकल्लुफ ही सही किया जाए, अभी तिलावत जो की जा रही थी उसमें ये अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं इनास अता फरमाते हैं, बेटी अता फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं नूर अता फरमाते हैं। तलबा भी मौजूद है, वो ये समझते हैं कि कभी कभी तकदीम बवजह फजीलत के होती है, यहाँ इनास को जुकूर पर मुकद्दम फरमाया, दर पर्दा इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि बेटी का वजूद भी एक बहुत बड़ी नेमत, इसका अंदाजा आदमी को उसी वक्त होता जब बेटी घर से रुखसत। अजीब किस्म का खला महसूस होता है, इसीलिए सरकार द्वारा मदीना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी तफरीज मीर अली मुत्तकी अलैहि रहमान ने फरमाई, कहते हैं बेटा नेमत है और बेटी रहमत। नेमत तो कभी रहमत बन सकती है, लेकिन रहमत तो सरतापा रहमत ही रहमत। नेमत तो नामत और नकमत बन सकती है, लेकिन बेटी तो रहमत ही रहमत। जिन घर में बेटियां होती है एक अजीब किस्म का सुकून राहत रहमतें। तो इस्लाम ने हमें ये शौक अता फरमाया। तो कारी साहब पढ़ा रहे थे, मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा था और चूंकि बेटी का निकाह है तो मैंने उसी आयत का इरादा कर लिया। दर पर्दा इसमें इस बात की तरफ औलिया को इशारा है कि अदायगी हुकूक में कोई फर्क मरातिब भी ना होना चाहिए, बेटी का भी इतना ही हक है, बेटे का भी इतना ही हक है। जो हुदूद शरीयत ने मुतय्यन फरमाए और अगर कोई मंतिकी और फलसफी यहां बैठा हो और वो ये कह दे कि मेरे पास इल्मुल फराइज के मसाइल हैं, वहां बेटी को बेटे को दुगना दिया गया है और बेटी को निस्त दिया गया है, गोया इस उसका हक कम तसव्वुर किया गया, और ये इंसाफ के खिलाफ इस्लाम ने यहां भी जो एतदाल फरमाया है कि बेटे को डबल देकर और बेटी को आधा देकर, और ये आधे को हम लोग माशरे में दुआनी कहते हैं, ये दुआनी ये ताबीर उर्फी है, वरना हकीकत उस मौके पर जो भी तकसीम होगी वही होगा। तो बेटे को दुगना दिलाया, लेकिन अगर वो बेटा बाप है तो औलाद का हक उस पर होगा, शौहर है तो बीवी का हक उस पर होगा, बेटा है तो मां बाप के हुकूक अखलाकन होंगे, भाई है
दूसरे भाई अगर परेशान है तो उसका अखलाकन होगा, तो दुगना दिलवाने के बाद चारों का तकसीम कराया और दो आदमी दिलवाने के बाद तकसीम कहीं भी कराया। अगर वो मां है तो औलाद का कोई हक इस पर नहीं। कहने का मतलब ये भी जो हक़े वाजिब है और इसी तरीके से अगर वो बीवी है तो यहां भी यही कहा जाएगा कि हयात यानी जिंदगी में एक तो है मरने के बाद, वो नहीं कहा जा रहा है इस वक्त, तो जाहिर ये है कि उसको जो हक दिलवाया गया शौहर का नाम हक्का औरत पर वाजिब नहीं, भाई का नहीं, बहन पर, हत्ता के खुद उसका नाम हक्का उसके शौहर पर है, तो जाहिर है कि चारों तरफ से इसकी आमदनी तो है लेकिन खर्च उसके ऊपर कम से कम। मुझे अब ये करना है इस्लाम वो पाकीज़ा दीन के जिसने अदायगी हुकूक के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, कुरान मजीद की जितनी आयात है जिसमें निकाह का तज़किरा हो, खुतबा निकाह का तज़किरा हो, निकाह की तरगीब हो, जब उन आयात का हम गौर करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि असल हुकूक की अदायगी की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। इससे पहले कई मजलिसों में खुतबा निकाह के फलसफे को जिक्र किया गया जिसके आदि की जरूरत नहीं, उसके बावजूद मैंने कायदे शरीफ़ आज की मजलिस में तिलावत की हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, बहुत मुख्तसर आयते शरीफा है। हमारे बच्चे तशबीह का बयान इल्मुल बयान के अंदर पढ़ते हैं और उलमा जो है तशबीहात कुरान पर जो किताबें लिखते हैं उकूदुल जुमान की तशबीहात कुरान और इस पर जो गुफ्तगू फरमाते हैं कि कुरान मजीद का लहजा बड़ा अजीब व गरीब है। औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास है। लिबास के अंदर जिस तरीके से नाबिस और लिबास के दरमियान जो तनाजुम है वही तनाजुम गुलामिया और बीवी के दरमियान उसके इंतहाई कवि ताल्लुक को बताया। लिबास किस तरीके से नाबिस के बदन के साथ मुंतसिल हो जाता है, इसी तरह मियां और बीवी के दरमियान इतना कवि इंतसार हुआ करता है जैसे लिबास और नाबिस के दरमियान, और ये कवि इंतसार इस बात का मुतकाजी है कि एक दूसरे का हक अदा करता है। चूंकि अब यह जान को आदि हो ही गए हैं लिहाजा एक दूसरे का हक अदा करता है, तो जिस तरह निकाह के खुतबे में तीनों आयतों में इत्तकुल्लाह के खिताब के जरिए से खशियत की तहरीक को जिक्र करके अदायगी और हुकूक को बताया, इसी तरह एक दूसरे का लिबास बदला कर इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया कि बगैर जब इत्तेसाल इतना कमी है तो एक दूसरे का हक अदा करना ही पड़ेगा वरना लिबास का तसव्वुर नहीं।
इसीलिए यहाँ बजे शिका हम बयान करते हुए ये कहते हैं जैसे याद हो नदी नाम हम दुख बारे याद कमा दुख बारे नदी हमें अब लिखूं के तहरी मतों पर भी फर्क था ताकि अदायगी आसान हो जाए। यहाँ की तस्वीर है कि हुकूम की अदायगी बहुत आसान है इसलिए कि तुम्हारी हैसियत तो निवास की है। और अगर गौर किया जाए तो जिस तरह निवास साटे हुआ करता है नाबिस के लिए तो न्याम साकिर है औरत के और दुल्हन के और गुलामी कहा जाए बीवी के उयूब के लिए और बीवी साकिर है मर्द के उयूब के लिए। अब एक दूसरे के उयूब के छिपाने का मतलब तो यह है कि शादी हो गई एक दूसरे में कोई ना कोई कमी है तो किसी दूसरे के सामने बयान न करे। और ये भी है कि जब तक आदमी शादी नहीं करता है लोग बातें करते हैं कि मालूम की उम्र इतनी बड़ी हो गई लेकिन बड़ा बेहया मालूम होता है कहीं दूसरी जगह ना जाए ताल्लुक ना हो इसकी इज्जत जरा मजबूत मालूम होती है और जहां भी ना होता है तो साबित हो जाता है कि नहीं ये आदमी को शादी शिका तो शीघ्र का पहलू भी इसके अंदर मौजूद अलग बात कि उसमें भी आदमी के अपने इरादे का दखल ये मतलब नहीं कि आदमी शादीशुदा हो जाने के बाद नफ्स के तकाजे कहीं नाजायज तरीके से वो खत्म हो जाते हैं। मतलब यह है कि जब एक जायज महल उसको मिल गया तो उसके नफ्स के तकाजों के अदा होने के लिए ये उसको जारी मदद की जरूरत थी अल्लाह ने उसका इंतजाम करा। और अगर आप गौर करेंगे लिबास लगवान लिबास लगना लाबिस बगैर लिबास के उसको सब्र नहीं आता वो मोहताज होता है कि मुझे लिबास पहनू और ना दुनिया में जो नंगे बाबा फिरते रहते हैं लोग जो है उनको बेवकूफ और बावले समझते हैं और जो संजीदा होगा जिसकी तबीयत में मटामे तो होगी वो लिबास को इतना जरूरी समझता है कि बगैर टोपी के नहीं निकलता बगैर बनियान के नहीं निकलता उसको अपनी वकार ईमान या वकार इस्लाम के खिलाफ समझता है सब को अमरुदी जैसे समझता है और बगैर बोया उसके लिबास के सब आता ही नहीं तो जैन भी बगैर निकाह को उनको सब्र ही नहीं आता। क्या लाज रुकानी किसी जगह कह रहा था और कहता है हम वासी कि वेदनी है वेदनी वेदी को जहां से भी तोड़ते हैं तो मिट्टी मिट्टी गुजरात के लोग ज्यादा जानते वेदी क्या होती है किसी जगह शेरमाल भी होता है राजे पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग खुराक होती है नाम उसका अलग होता है मुराद मेरे के कुरान मजीद जिस आयत को जिस पहलू से आप गौर फरमाएंगे कुरान हमें हिदायत और ये निवासियत ताब में हयात काफी रहती है यानी तकाजे नफ्स के खत्म हो जाने के बाद कि जिसमें मर्द अभी उम्र की वजह से उसका तकाजा खत्म हो चुका या औरत का तकाजा खत्म हो चुका लेकिन अब एक दूसरे मुआविन है खिदमत में तो जिस तरीके से एक मुआविन की जरूरत होती है और खिदमत में दूसरे के मोहताज होते हैं फरमा रहे हैं कि जैसे लिबास मोहताज होता है लाबिस उसकी तरफ इसी तरह एयानत के अंदर मियां बीवी
भी एक दूसरे के मोहताज होते हैं अगर जब तक आए नफ्स की जरूरत नहीं। कुर्बान जाए तशबीहात जब आप उस तदब्बुर के साथ कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो फिर आपको यह अंदाजा होगा। और किसी दिन के लिए कुरान मजीद बेशक उसकी तिलावत बारिश से बरकत लेकिन कोई मां अगर अपने बेटे को या कोई बेटा अपनी मां को खत लिखता हो और अंग्रेजी में लिख रहा है और बेटा अंग्रेजी अगर नहीं जानता है तो भी वो मां या वो बेटा दर्द मिलेगा कि आया इसका मफहूम क्या। ये तो नहीं कहा जा सकता कि मां या बेटे ने खत अंग्रेजी में लिखा और उसका कोई पसे मंजर ही ना हो। अल्लाह ने अरबी में किताब चुनता ही ये गायत शफकत की वजह से होता है। मालूम हुआ इसमें तदब्बुर की जरूरत है, इसमें तफक्कुर की जरूरत है। और यहां चूंकि अक्सर मजमा वो है कि जिनको तफक्कुर और तदब्बुर की तरफ उनको ले जाना है हमें, इसलिए मुमकिन है अगर कोई तबका अगर नहीं समझ पा रहा हो तो हम ये कहेंगे कि तलब अजीज के दरमियान हाफिज अजीज साहब का अपनी बेटी के निकाह का ये आज ये गोया दोनों के लिए कि जहां कितने सारे उलमा और हुफाज के दरमियान निकाह हो रहा हो और चार बजे से उठकर जो तिलावतें कर रहे हो और सुबह शाम जिनकी तिलावतें हो रही हो किसी के सर पे इमामा है तो आज अल्लाह ने इनको कुरान मजीद की बरकत से ऐसा दुल्हा का फरमाया कि खुद वो अल्हम्दुलिल्लाह इमामे के साथ आपके सामने तशरीफ। अल्लाह ये बहुत बड़ी नेमत है। क्यों मिली? तन्हाइयों में पता नहीं चलता है हमें वो जो बहुत सुबह चलने में जाकर तलबा का उबैदुल बासित का उबैदुल रहीम का उबैदुल हैद का वो जो कुरान मजीद सुनते थे अल्लाह ताला ने आज हमें ये नेमतें इससे सुकून मिलता है। बहुत अच्छा आदमा हरम में मिले थे और जिसके वास्ते से आए वो बच्चा भी बड़ा सआदतमंद। इनका बहनोई मौलवी शोएब करमानी नेक लोग अल्हम्दुलिल्लाह तो खुशी होती बात तय्यबीन तय्यबात के लिए अल्लाह ताला तय्यबीन ही का इंतखाब करता अफीफात के लिए अल्लाह ताला अफीफीन का ही इंतखाब करता है। अल्लाह का अपना इंतजाम इब्न जानबिल्ला वरना आदमी इंतजार करता रहता है बरतानिया से पत्ते राम आज भी इंतजार करता रहता है कैनेडा से कब पैगाम आ जाए। आज भी इंतजार करता रहता है कि गैर मुल्की पैगाम कब आ जाए और अगर मेरे गैर मुल्की मेहमान यहां तशरीफ फरमा न होते कि कहीं वो नाराज न हो जाए। मैं अर्ज करूंगा जो सुकून जो आफियत जो नेमत अल्लाह ताला हिंदुस्तान में अता फरमाई है वो नेमत है गैर मुल्की जो है अपनी औलादों के लिए इंतखाब में वो नेमत नहीं। उम्मत का खाली होने की हैसियत से ये एक मैसेज अर्ज कर रहा था तशबीहात कुरान पर उन लिबास कुरान तुम लिबास क्या अजीब अंदाज है। कुरान मजीद कहता है यार जो नई नाम खुदू जी नतक नहीं तक मस्जिद
ये ईमान वालों, हर नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, और जीनत से यहाँ मुराद यही है कि लिबास से साकिर पहनो, गोया लिबास के किस्म की जीनत है। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि ये औरतें तुम्हारी जीनत तुम्हारे शौहर है, और ये शौहर तुम्हारी जीनत तुम्हारे घर। जिसने कपड़े पहन लिए एक जीनत पैदा हो गई, जिसने निकाह कर लिया एक जीनत हो गई, और निकाह करने के बाद कहते हैं लोग और इतनी खूबसूरती और जीनत कि ये तो शादीशुदा। और अगर अल्लाह ताला उसके बाद उसके मुकद्दर का औलाद है और औलाद मिल जाती है, तो ये समझते हैं कि ये तो साहिब जीनत साहिब औलाद, इसके पास तो ताकत भी है, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे तो इसकी 12 औलादें। अगर कहीं कर्ज लेने के लिए जाता है मदरसे के लिए तो कोई आदमी इनकार नहीं करता और कहता है अगर ये मर भी गया तो कोई हरज नहीं, इसको तो इसके पीछे तो इसकी औलाद है उबैदुर रहमान उबैदुल्ला, लिहाजा कोई बात नहीं इसको कर्ज दे दो। गोया जिस तरीके से ये जीनत है एक ताकत है, उसकी वजह से कुवत पैदा हो जाती है। ये पूरा इल्मुल बयान है, ये तश्बीहात कुरान है। उन्होंने लिबास सुन लो कुरान की लिबास सुन लो, लिबास नाबिस के ताबे हुआ करता है। तो दर पर्दा ये कहा जा रहा है कि औरतें मर्द के ताबे हैं और मर्द औरत के ताबे हैं। ताबेईयत को तस्लीम करना पड़ेगा, बोला मर्द औरत जो है शौहर मजबू है और औरत ताबे है, इसी तरीके से वो भी ताबे है, और जब ताबे है तो जाहिर ताबे को मजबू का हक अदा करना पड़ेगा, और दोनों ताबे है यहां का दोनों एक दूसरे का हक अदा। माशाल्लाह तालिबे तशरीफ फरमा है, बड़ी नजर है महसूस के ऊपर भी, लिहाजा सोचते होंगे कि अगर तैयत है तो मर्द को औरत के ताबे कैसे बना दिया, जबकि कुरान मजीद कहता है अजीजा रब्बा बाहू नादर निसा, कि मर्द का हाथ ऊपर है औरत के ऊपर, फिर उसको ताबे कैसे बनाया जा रहा। ये भी तो कुरान मजीद की बलागत है कि मुकद्दम इस बात को बताया जा रहा है कि जहां तक ताल्लुक है ताबे तो हकीकत में औरतें ही हैं मर्द की, लिहाजा उनके हुकूक की अदायगी करनी है, लेकिन मिन वजह ताबेईयत मर्द को भी हासिल है, और वो मौलाना अब्बास साहब बताएंगे, और वो है मिन वजह से मुराद शक्ल मोहब्बत में। जुमेरात के दिन जाते हैं तो उसके पीछे पीछे देते हैं मालूम क्यों हुआ, और यही तो कमाल है, और यही तो कमाल है कि एक तरफ महबूब है, एक तरफ आशिक है, और एक तरफ माशूक भी, और इसी को बैलेंस कायम किया कि हुकूक अदा कराए जा रहे हैं, कि किस तरह हक अदा करना चाहिए, तो मीन वजह ताबेईयत है, यानी बाएतबार मोहब्बत के जब ही तो वो नफे कर रही है, इसलिए कि उसको मतबूईयत का भी दर्जा हासिल है। लिबास वान को लिबास जितना पढ़ते चले जाए 12 में 10 कम है, वरना वाकया ये है कि ये आयत शरीफा और ये कुरान मजीद
आप रात को जहाँ बहुत सारे मैसेज देने थे वहाँ ये मैसेज देना है कि जितनी मेहनत से, जितनी फिक्रों से, जितने ताल्लुक से, जितने इश्क से आप पढ़ेंगे इतना ही फायदा होगा। और रिवायत मैंने जो पढ़ी उसका तर्जमा कर रहा हूँ, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लंबी रिवायत है, इन्न लिनफ्सिका अल-हक़्क़ा व इन्न लिज़ौजिका अल-हक़्क़ा। इतना बड़ा पैगंबर जिनकी इबादतों की अदायगी से पांव मुतवर्रम हो जाते हैं, और लोग ये समझते हैं कि नफ्स परस्ती बहुत बड़ा ऐब है और नफ्स खुशी बहुत जरूरी है। वो पैगंबर नफ्स के बारे में कह रहा है कि नफ्स का भी हक अदा करना पड़ेगा। जिस नफ्स को दुश्मन कहा गया है उस दुश्मन का भी हक अदा करना पड़ेगा। इन नफ्स का लेकर ये पैगंबर की शान है कि जिसने दुश्मन के हक को भी जो है और गोया फर्के मनातिक बता दिया कि इन्न लिनफ्सिका अलैका हक्का, कि हर नफ्स गोया दुश्मन नहीं है। इसलिए एक नफ्स नफ्स लबाना है, एक नफ्स नफ्स मुतमन्ना है, एक नफ्स नफ्स हमारा मसरू है। तो कौन से नफ्स के बारे में, लिनफ्सिका अलैका हक्का, नफ्स मुतमन्ना का भी हक। और अगर ये रिवायत का शानी दूर अगर पेश करूं तो आप हैरान हो जाए, वक्त नहीं मेरे पास। इतना बड़ा पैगंबर जिसको सैयदुल आबिदीन, सैयदुल आमिलीन, सैयदुल आरिफीन, सैयदुल शुयूख तरीकत जिसको कहना चाहिए, वो कहते हैं नफ्स इन्न लिनफ्स का वइन्न लिआइनि का जिस नफ्स के तकाज़े को लोग ये समझते हैं कि वो बिल्कुल वही शहवत परस्ती का नाम है, उसको नफ्स खुशी जिसको कहा जाता है वह कहते हैं इन्न लिनफ्स। वरना तो यही फतवा दिया जाता कि मौसाली से बारात को उमरवाड़ा होते हुए 800 आने की जरूरत नहीं। इसलिए ये तो नफ्स खुशी के खिलाफ, नफ्स के तकाज़ों की तकमील है। नहीं, इस्लाम में ला रोहबानियत है, इस्लाम ये रोहबानियत जो इख्तियार किया था, ये ईसाइयत ने इख्तियार किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना है तो नफ्स की नफ्स खुशी करनी पड़ेगी। क्या उन्वान दे दिया, कहते निकाह मत करो, नफ्स खुशी नहीं करेगी। तो जब निकाह नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, आप कलीसिया में आओ, माबद में जाओ। ईसाइयों के जब वहां देखा तो लड़की भी अपना संसार छोड़ के आ गई और साध्वी बन गई और लड़का भी अपना संसार छोड़ के, ये तो जैनियों के यहाँ, और वो लोग आ गए। अब जब दोनों आए, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या कहते हैं, और ज्यादा कि अब तक तो घर पे थे वो नफ्स खुशी कम दर्जे की थी, अब आग पानी बिल्कुल करीब करीब है लेकिन फिर भी नफ्स पर कंट्रोल है। मालूम होता है ये नफ्स खुशी आला दर्जे की। अल्लाह तो शैतान ने क्या चाल चल उनको धोखा दिया कि तुम एक काम करो, ये अदना दर्जे की जो है नफ्स खुशी है, लिहाजा एक कमरे में साथ रहो और फिर नफ्स पर कंट्रोल करो तो पता चल जाएगा कि आपकी नफ्स खुशी आला दर्जे की है, ताकि अल्लाह का कुर्ब ज्यादा हासिल। एक कमरे में रहने लग गए, जब ये कमरे में रहने लग गए तो शैतान दूसरी चाल चला और उसने ये कहा कि एक कमरे में अगर बेड अगर अलग है, बिस्तर अगर अलग है, तो ये नफ्स खुशी नहीं है, लिहाजा एक बेड पर दोनों सो जाएं और फिर नफ्स पर कंट्रोल करें तो ये आला दर्जे की नफ्स खुशी है। तो दोनों को बेड पर सो जाएं और उसी को कहा जा रहा है इस्लाम के, और ये इसी इस्लाम जो इस्लाम तो तब ये दुनिया का नाम, इस्लाम में कोई आदमी
बड़े से बड़े प्रमाण को पहुंच नहीं सकता जब तक कि वो निकाह न करे, चाहे वो कितना बड़ा प्रबंधन क्यों ना हो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अगर निकाह नहीं किया है और याहिया अलैहिस्सलाम ने अगर निकाह नहीं किया है तो उसके लिए तफसीर की किताबों में आपको बहुत से जवाब मिलेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा आसमान पर उनको ले जाया गया कि तशरीफ लाने वाले हैं और वहाँ इतनी मुद्दत यानी 700 साल या हजारों साल या 5000 साल या 7000 साल अलाइख्तिलाफ़ुल अक़वाल रहने के बाद दुनिया में आकर निकाह करेंगे और औलाद की ये तो उनकी कमाल रजूलियत की बात हो गई कि इतनी उम्र हो जाने के बावजूद वो पावर मौजूद है। और अगर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहना है तो सैयदन व रसूलन व नबीयन मिन अस्सालिहीन रसूल की तफसीर में बड़े इख्तलाफात हैं। आप जलालैन की शराब में आप पढ़ेंगे मवशी लिखते हैं, सावी लिखते हैं और उसके अलावा जो भी शुरुआत है जमल जुमल वाले लिखते हैं, लोग इसको जो है जुमल कहते हैं। ये लफ्ज जमल वो लंबे से ऊंट की तरह, इसलिए इसका नाम जमल है। ये कोई जुमले की जमा जुमल नहीं। हसूर के माना बावजूद इस्तेआर के औरतों से अलहदा रहना, और ये उनकी शरीयत की इबादत है। बहरहाल ये चंद बातें हैं कि अदायगी हुकूक के लिए जितनी आयात है कुरान मजीद में हुन्न लिबासुल लकुम वअन्तुम लिबासुल लहुन्न, ये आयत इस बात की दलील है कि एक दूसरे का हक अदा करना चाहिए। रंग है घराना और दीनदार है सालिहीन का घराना है, एक दूसरे को इसका एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। जैसा कि अभी मैं वो पर्चा पढ़ रहा था मुझे बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ उनवान है मेहरे फातिमी, ये शौहर कब अदा करेगा जबकि दीनदार हो, और ये दीनदार बुजुर्ग भी तशरीफ लाए थे। हजरत मदनी अली रहमा से बहुत गहरा ताल्लुक इनका, और यहाँ बहुत सारे लोग जिन्होंने हजरत शेखुल इस्लाम और फिदाए मिल्लत हजरत मौलाना असद मदनी नकरल्लाहु मरकदहु को देखा, ऐसे हजरात यहाँ तशरीफ फरमा। और ये हमारे हाजी महमूद साहब जो मुल्ला, उनको ये शौक हुआ कि अपनी सत्ता को भी आलिम बनाए, इब्राहिम को भी आलिम बनाए, अयूब को भी आलिम बनाए, ये जितनी औलादे थी सबको इसी में लगा। तो चारों तरफ दीनदारियां ही दीनदारी है। अल्लाह ताला होने वाली तकलीफ को बाबरकत फरमाए, खानदानों में मोहब्बत का जरिया बना। अगर एतदाल के साथ बात अगर लंबी हो गई है तो चूंकि माशूकों के साथ बात कर रहा था और बात की ऐसी हो रही थी वहां पूरे कलामी होती है, मौलवियों के साथ जब बात की जाती है ऐसे मौके पर, और मजमून भी तफसीर का था, इसलिए बड़े एतदाल के साथ हजरात के सामने और बहुत कम मवाक पेश आते हैं और थोड़ी नाकदरी की जाती है आप हजरात की आपको बार बार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा नियाबत करते रहते हैं। यहाँ इस कुर्सी पर बैठकर मौलाना अहमद साहब, मौलाना अशरफ साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, मौलाना अब्दुल्लाह साहब, उबैदुल्लाह उबैदुर्रहमान और भी उलमा बोलते रहते हैं, इसलिए ज़ाहिर मुझे जब कभी मौका मिलता है तो मैं भी चंद बातें कह देता हूँ और वक्त नहीं निकाल पाता। अल्लाह ताला हम सब की सत्तारी फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, और मुकाम अल्लाह ने हमें से खुद किए हैं आपस में मोहब्बत और अपनी रजा और इखलास के साथ उन कामों को करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और ज़ाहिर वमा असलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्र इल्ला अला रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के यहाँ अज्र है, दुनिया में कोई मोमिन इसका अज्र नहीं दे सकता। आप हजरात पर इखलास के साथ काम करें। हमारे हाफिज़ हबीब साहब मेरे ख्याल से कम उमेश 22 साल हो गए मेरे यहाँ आने का शान ये हुआ कि कांटा सारण में कोई जगह खाली थी,
वहां पर बहुत पुराने मौलवी को भी उम्र वाड़ा में तकरीबन उनका नाम भी मौलवी अयूब ही था, उन्होंने जगह छोड़ी या गालिबन हमारे हाथ में जब ये निजाम आया तो हमने देखा कि पुराने मौलवी के अब तलबुर दांत गिर गए हैं, अब बराबर नहीं होके समझ में आया तो हमने किसी तरह रुखसत कर दिया, तो उनको मौलवी की जरूरत पड़ गई, इनको पता चला और ये जो है ये वहां चले गए, उन्होंने यहाँ भेज दिया, मेरे पास भेज दिया और ये कहा कि वहां इम्तिहान देना पड़ेगा, ये चुके इनका कुरान जब मैंने सुना तो मैंने कहा यह आदमी बहुत सही पढ़ा और ये कांटा साहब में क्या करेगा, तो फिर मैंने इनको कांटा साहब की बजाय फूल साहब में रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहां उस वक्त से लेकर आज तक ये फूल ही फूल साहब में खुद भी फूल चुनते हैं और हमें भी फूल देते हैं और ये खुद सरता का फूल ही ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك فقط يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال إذا فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب حافظ ایوب حاجی محمود ملا صاحب آپ نے اپنی وکالت سے اپنی بیٹی عفیفہ حافظ ایوب ملا جناب مولانا یوسف یعقوب مانگرا صاحب کے نکاح میں مخصوص شاہدین مولانا شعیب یعقوب اقبال حافظ محمد مانگرا صاحب اور حافظ شفیق صاحب کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو بعوض مہر فاطمی کے عفیفہ کو مولانا یوسف یا ماجرا کے نکاح میں دیا لڑکی نے اجازت دی بھائی مولانا یوسف یا ماجرا صاحب میں نے جناب حافظ ایوب محمود اللہ صاحب کی وکالت سے उनकी अपनी बेटी अफीफा हाफिज अयूबुल्ला को आपके निकाह में बेवत माहरे फातमी के मकसूद शाहिदीन
और हाजरी ने मजलिस के रूबरू औरत बना कर दिया, आपने कबूल किया। بارك الله وجمع بينكما بالخير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولا مانع بمغفرتك ولا مشقاك عليه खुदा होने वाली तकरीब को बाबरकत फरमा, खानदान में मोहब्बत का दरिया बना, नताइज सालिहा मुरतब फरमा, मौला जो बेटियां निकाहों से महरूम है उनको नेक और साले जोड़े अता फरमा, मौला करीम हमारी जिन बेटियों के निकाह हो चुके हैं मौला करीम उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, मौला जौजैन में मोहब्बत अता फरमा, मौला करीम जिनके निकाह हो चुके औलाद से महरूम है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, मौला करीम तो हमारी बेटियों की जिंदगियों में, हमारे बेटों की जिंदगियों में खुशगवार जिंदगियां अता फरमा, हमारी औलादों को नेक और दीनदार बना दे, हमारी नस्लों में उलमाए रब्बानी पैदा फरमा, एक दूसरे की तजलील और तहकीर और बदगुमानी से तो हमारी हिफाजत फरमा, मौला इखलास अता फरमा, जिंदगी मौला निफाक अमली के मर्द से तो हमारी हिफाजत फरमा, मौला करीम तेरे दर के भिखारी हैं, तेरी खशियत मांग रहे हैं, तेरी मोहब्बत मांग रहे हैं, आमाल सालेहा की हलावत और तौफीक अता फरमा, मौला सैयाद और गुनाहों की नफरत और मरारत अता फरमा, मौला हर वक्त तेरी कुदरत का, तेरी मामूलियत का, तेरी इलाहियत का कोई इस्तेदार अता फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बुराइयों को मांगा अता फरमा, जिन बुराइयों से पनाह चाहिए उन बुराइयों से पनाह नसीब फरमा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदना मुहम्मद वाली का साथी का वाजी को दी आपके अजमाई रातों की देवा। अब खाने का प्रोग्राम होगा, तलबा भी